बन जाओ तुम भी किसी का सहारा, बन जाओ तुम भी किसी का सहारा, आओ मेरे हिमाचल क्योंकि मेरा हिमाचल है सबसे प्यारा। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। दोस्तों आपको एक प्यारी सी खूबसूरत सी अच्छी सी खुशखबरी सुना दूं कि पूरे हिमाचल में जो स्नोफॉल हो चुका है और सारे पहाड़ जो बर्फ से ढक चुके हैं, पूरा वाइट वाइट हो चुका है। और अगर आप लोग स्नो लवर हैं और अगर स्नो में इंजॉय करना चाहते हैं, मस्ती मारना चाहते हैं, तो आपका बहुत स्वागत है मेरे हिमाचल में, क्योंकि हिमाचल में पूरी तरह से स्नोफॉल हो चुका है। और आज मैं खुद स्नो में इंजॉय करने जा रहा हूँ, लेकिन मेरे विलेज से थोड़ा सा ऊपर स्नोफॉल हुआ है, मेरे विलेज तक नहीं पहुँचा है, तो हम ऊपर जाएंगे और खूब सारा इंजॉय करेंगे। वहाँ पे एक खूबसूरत मंदिर है जिसका नाम है नागस्त्रार, वहाँ पे जाएंगे और फुली इंजॉय करेंगे। और मैं अकेला नहीं जा रहा हूँ, मेरे साथ बहुत से जा रहे हैं मेरे गांव से, और मिलाता हूँ सबसे पहले। हाय हाय बोलो। ये है आर्यन और ये भी हमारे साथ जाएगा ऊपर, थोड़े आगे निकल चुके हैं। तो दोस्तों हम चल रहे हैं नागस्त्रार की ओर, रास्ते में हम सब ये देखिए सारे के सारे साथ में चल रहे हैं। ये देखिए राउंड, और देखिए ऊपर टॉप पर बर्फ पड़ी हुई है, काफ़ी खूबसूरत लोकेशन, नीचे नदी। तो गाइस बढ़ते हैं आगे। तो गाइस जैसे कि मैं ऊपर पहुंच चुका हूं और मेरे साथी पीछे आ रहे हैं, ये देखिए काफ़ी चढ़ाई है और गर्मी पड़ चुकी है बिल्कुल पूरी तरह से, देखिए। और कुछ लोग अभी काफ़ी नीचे हैं, चढ़ रहे हैं आराम से। दोस्तों ये देखिए पहाड़ों में सरसों के पीले पीले काफ़ी खूबसूरत फूल, पूरे खेत सरसों का लगा हुआ है ये सारा, और साइड में है काफ़ी खूबसूरत पहाड़। और हम चल रहे हैं ऊपर, तो लेट्स गो। मस्ती कर रहे हैं, बोले की बात, सारे की बात, बोले की बात, सारे की बात। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं आधे रास्ते में और यहाँ पे थोड़ी देर बैठेंगे, पानी वगैरह पियेंगे और फिर चलते हैं आगे। तो पहुंच चुके हैं यहाँ, काफी खूबसूरत टैंक है, मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए सारे मैक्सिमम पहुंच चुके हैं, थोड़े पीछे से आ रहे हैं। ये टैंक है पानी का, काफी खूबसूरत। यहाँ पे तीन चार टैंक है पानी के, यहाँ से सप्लाई काफी दूर तक जाती है नीचे। तो ये देखिए फुली एंजॉय करता हुआ आर्यन भारद्वाज वर्मा, देखो उधर बर्फ पड़ी है नीचे, नीचे काफी खूबसूरत। ये देखिए यहाँ से है पानी की सप्लाई, काफी खूबसूरत टैंक है यहाँ पर पहाड़ों में, यहाँ से काफी दूर तक पानी की सप्लाई जाती है। काफी खूबसूरत पानी का टैंक, बस यहाँ से थोड़ा सा ऊपर बचा है नाग मंदिर, और वहाँ पे पहुँचने वाले थोड़ी देर में हम सो पानी वगैरह पीते हैं। तो ऐसे बोलते हैं कि इस पत्थर के नीचे निकलने से जो है वो आपके जो ग्रह हैं वो टल जाते हैं, तो यहाँ से सारे निकलेंगे। आ जाओ बारी बारी से सारे। ये देखो बारी बारी से सारे आते हुए। फाइनली हम पहुंच चुके हैं मंदिर के बिल्कुल पास, बिल्कुल करीब, और अब आपको पहुंचने वाले हैं बिल्कुल मंदिर के पास। थक चुके हैं काफ़ी, सांसें फूल रही हैं, काफ़ी हाइट पे है ये मंदिर,
तो यहाँ पे आपको दिखा दूं कि बर्फ हमें दिखनी स्टार्ट हो गई है। तो आप करता हूँ रियर कैमरा, ये देखिए बर्फ हमें देखने को मिल रही है। तो ये रहा हमारे सामने मंदिर, अगर आप लोगों को दिख रहा होगा तो काफी खूबसूरत नजारा यहाँ का। ये देखो छोटा सा ब्रिज यहाँ पर, आई थिंक कुछ लोग वापिस आ रहे हैं। लेट्स गो। काफी खूबसूरत। दोस्तों फाइनली मैं हाथ पैर साफ करके आ चुका हूँ मंदिर के बिल्कुल पास, और हम जा रहे हैं मेन मंदिर के अंदर। तो करते हैं दर्शन और आपको भी करवाते हैं नाग देवता के दर्शन। ये देखिए हमारे साथी काफी देर से पहुंच चुके हैं, काफी पहले से। बाकी सारे अंदर जा चुके हैं। ये देखिए मंदिर के बिल्कुल सामने बर्फ पड़ी है काफी ज्यादा। तो चलते हैं मंदिर के अंदर। तो ये है नाग मंदिर। जय जयंतर महाराज की जय। हम सब पहुंच चुके हैं नाग मंदिर के अंदर और नाग देवता की पूजा करते हुए सारे। जय हो नाग देवता। मेरे साथ आप भी दर्शन कर सकते हैं नाग देवता के। हर किसी की मनोकामना पूरी होती है जब कोई सच्चे दिल से नाग देवता के यहाँ आकर कुछ मांगते हैं तो नाग देवता उनकी मनोकामना। दोस्तों अब मैं मेन मंदिर से बिल्कुल बाहर निकल चुका हूँ और आप दिखाता हूँ जो छोटे छोटे मंदिर है बाहर उनको। काफी खूबसूरत है, ये देखो यहाँ पे बर्फ पड़ी हुई है, पैर बिल्कुल ठंडे हो चुके हैं, देख सकते हैं आप बिल्कुल ठंडे हो चुके हैं पैर। ये देखिए ये बनाया गया है बिल्कुल कैलाश पर्वत में, जैसे भोले शंकर बैठे हो। काफी खूबसूरत छोटे छोटे पहाड़ यहाँ पर बनाए गए, काफी सुंदर यहाँ पर कलाकारी की गई है। और ये देखिए हमारे नाग देवता जी काफी खूबसूरत। तो दोस्तों अब मैं जा रहा हूँ मंदिर से थोड़ा सा ऊपर, और ऊपर से दिखाऊंगा आपको मंदिर का पूरा रिव्यू। ये आप मेरे पीछे देख ही रहे होंगे, थोड़ा थोड़ा आपको दिख रहा होगा मंदिर। यही है नाग देवता का मंदिर और आज हम यहाँ के लिए आए थे। मैंने सोचा था कि यहाँ काफी ज्यादा बर्फ होगी लेकिन इतनी ज्यादा बर्फ नहीं पड़ी है, और जितनी पड़ी थी वो शायद गल चुकी है क्योंकि हम एक दो दिन के लेट हो चुके हैं, दो दिन लेट हो चुके हैं, लेट आए हम यहाँ पर तो बर्फ गल चुकी है, लेकिन फिर भी काफी ज्यादा है। जितनी है हम उसने में बहुत इंजॉय करेंगे। तो मैं दिखाता हूँ अब आपको रियर कैमरा ऑन करके और दिखाता हूँ ये अच्छे। तो गाइस ये है वो प्यारा सा मंदिर, नाग देवता का मंदिर। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर बर्फ पड़ी थी लेकिन अब गल चुकी है, लेकिन जितनी भी है फिर भी काफी खूबसूरत है और काफी अच्छी दिख रही है यहाँ से। ये देखिए कुछ लोग जा रहे हैं, कुछ लोग आ रहे हैं और कुछ लोग इधर उधर ऊपर चले गए हैं। आप देख सकते हैं वो देखिए ऊपर बैठे हैं और काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं कुछ लोग। ये देखिए कुछ लोग ये बैठे हुए हैं। और ये था वो मंदिर, तो हम वो पीछे बर्फ दिख रही है वहाँ पे जाएंगे और खूब सारा इंजॉय करेंगे। तो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। दोस्तों अब हम करते हैं अपना लंच और हमारा लंच है बिल्कुल रेडी, सारे बैठ चुके हैं इकट्ठे, करते हैं लंच। दोस्तों हमारा लंच हो चुका है फिनिश और अब हमारा टाइम है नाउ मस्ती टाइम। तो रियर कैमरा करता हूं मैं ऑन और देखते हैं कैसे होती है बर्फ में मस्ती। Try to believe in anything greater than a miracle. It wouldn't be this difficult if we try to be a negative bull. Yeah, we could be taking control. If we try to believe in anything greater than a miracle.
तेरी दीद दीड़ा कंजर तरीक देखे मीना देखे वीक देखे करके उड़ीक देखे आंदी ईद दी कर चुके हैं फुल मस्ती और अब आपको दिखाते हैं ये मंदिर के साइड का व्यू जो काफी खूबसूरत है, काफी खूबसूरत पहाड़ है जो बर्फ से ढके हुए हैं। देखिए उसे पहाड़ ऊपर कैसे पड़ जाएगी बर्फ। तो दोस्तों इसी के साथ हम आज का व्लॉग यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि ये मंदिर आपको कैसा लगा और हम साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर